और आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाले रसोइयों का भी वेतन बढ़ाया जाए जिससे उनकी भी आमदनी बढ़ सके। इन मांगों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भोजन तैयार करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सब हड़ताल पर चली गई हैं। लगातार 4 दिन से हड़ताल चल रही है और आज चौथे दिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सिर पर सिलेंडर, हाथ में थालियां और होठों पर नारे लगाते हुए सैकड़ों महिलाओं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ये महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए खाना बनाती है और स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जमकर थाली, लोटे, चम्मच बजाएं और सरकार को जगाने का प्रयास किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना था कि जिस प्रकार सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया है, उसी तरह स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। और साथ ही महिला काम करती हूँ उनका 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए। इसके लिए आपने क्या, कब से आपकी मांग चल रही, कब से आप हड़ताल पर होगी इसको लेकर? अभी हम 1 तारीख से हड़ताल पे अनिश्चितकालीन, जब तक हमारा सरकार सुन नहीं लेती जब तक हमारा तो हड़ताल में रहते हुए क्या काम प्रभावित हुए अभी? अभी तक तो हमने स्कूल में खाना बंद कर दिया है, बच्चों को स्कूल में सुनने में आ रहा है कि सेव परमल दिया गया ना, बच्चों को सेव परमल दिया जा रहा है। किस प्रकार से आज धरना प्रदर्शन आपने विरोध किया? हमने थाली, बेलन, चकोटा लेकर प्रदर्शन किया, सीट पर टंकी रखकर हमारी मांग हुई, जब तक नहीं करेंगे जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, उसके बाद हम भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कितने लोग अभी मतलब इस हड़ताल में शामिल है अभी आपके सदस्य कितने? अभी हम लगभग 400-500 महिला अभी इकट्ठी। और कितनी आंगनबाड़ियों पर इस पर असर पड़ेगा इसकी वजह से? बस पूरे नीमच जिले में असर पड़ेगा।